हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। और हाजिर हूं एक दफा फिर एक बहुत ही मास्टरपीस परफ्यूम के रिव्यू के साथ। और यहां मैं बात कर रहा हूं मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक की। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू बिना वक्त ज़ाया किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि दिस परफ्यूम इज रियली 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 अ मास्टरपीस, अ ट्रू हिडन जेम। और इसकी क्वालिटी, इसकी ब्लेंडिंग, ये एक ऐसा परफ्यूम है कि अगर आप ये सेम परफ्यूम, सेम एग्जैक्ट इस बोतल को तोड़ के इसमें से अगर आप ये परफ्यूम निकालें और ये आप किसी भी नीच ब्रांड की बोतल में डाल दें, बोडेशिया की बोतल में, टॉम फोर्ड की बोतल में, फ्रेडरिक मॉल की बोतल में डाल दें, आप इसको $250-$300 पे आराम से बेच सकते हैं। पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये पे बिकेगा, लोग खरीदेंगे और लोग तारीफ भी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मर्सिडीज बेंज बेच रहा है तो आई थिंक लोगों को इसकी कदर नहीं आ रही। दिस इज जस्ट वाओ वाओ वाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू। और ये मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, ग्लॉसी बॉक्स है, ब्लैक कलर का, सिंपल, साइड्स पे कुछ नहीं मिलेगा, टॉप पे लोगो मर्सिडीज का और यहाँ फ्रंट पे नाम परफ्यूम का मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक, और फिर बॉटम में कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और बैच कोड वगैरह। और बोतल यहाँ पे बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है और इट्स रियली स्टैंडिंग आउट। और हियर वी गो, ये आपको इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत ब्लैक कलर की ग्लॉसी बोतल में मिलता है। फ्रंट पे आपको मिलता है लोगो मर्सिडीज बेंज का, साइड पे कटआउट में ये ग्लास की बोतल मिलेगी जिसमें से आप जूस का लेवल देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर है जूस का, एम्ब्री गोल्डन कलर है। और एटोमाइजर प्रेस करने के लिए यहाँ पे बैक पे ये प्लास्टिक का ही एक बटन है इसको स्प्रे करने के लिए। तो बड़ी ही अनयूजुअल टाइप की खूबसूरत और सेक्सी शेप है इस बोतल की। तो ये था प्रेजेंटेशन के बारे में और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो टॉप में मिलता है आपको बर्गमो, मिड में इंसेंस और जैस्मीन, और फिर बेस में वनीला, बेंजोइन, वुड्सी नोट्स और एम्ब्रोक्सन। तो ये है इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और अब मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो ओपनिंग में यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बड़ा ही लाइट सा और एरी सा नोट मिलता है सिट्रसिस का, बर्गमो का, बहुत लाइट है जो कि सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए आपके पास रहता है। और उसके साथ आपको कुछ एक हल्का सा फ्लोरल इसके अंदर नुएंसेस मिलते हैं ऑन द टॉप। और फिर आपको इसके अंदर मिलती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोस्टेड और स्मोकी वनीला जिसको सपोर्ट करते हैं साथ बेंजोइन। बेंजोइन और वनीला का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वनीला बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी स्मोकी है, और फिर बेस में आपको थोड़े से बड़े स्मूथ से और यू कैन से कि लाइट से वुडी नोट्स मिलते हैं इसके अंदर। सिंपल कंपोजिशन लेकिन स्टिल हैज बीन डन इन एन अमेजिंग वे, इन अ ब्रिलियंट वे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स परफ्यूम नहीं है बट स्टिल इट्स वेरी स्मूथ, वेरी रिच, वेरी डीप, वेरी लग्जूरियस एंड वेरी सेक्सी कंपोजिशन। लीनियर सेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली ड्राई डाउन में आते आते थोड़ा सा वुडी हो जाता है, लेकिन वेनीला आपके साथ रहती है शुरू से एंड तक। इसका जो मेन जिसका स्टार है वो है स्मोकी वेनीला। वेनीला के साथ आपको इसमें एक जैस्मिन का टच मिलता है शुरू से। शुरू में जो ऊपर टॉप नोट में आपको एक हल्की सी लेयर मिलती है जैस्मिन की, सिट्रसिस चले जाते हैं, लेकिन जैस्मिन काफ़ी देर तक जर्नी में आपके साथ चलती रहती है, इसको सपोर्ट करती रहती है अलोंग विद बेंजोइन। बेंजोइन भी वेनीला की तरह ही स्मेल करता है, तो मेनली वेनीला चलता है शुरू से एंड तक। इंसेंस का नोट इतना यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है। इंसेंस का सिर्फ यही काम है कि इंसेंस जो है वो उस वेनीला को एक स्मोकीनेस देता है, एक वो रोस्टी नटी फील देता है उस वनीला को। उसके बाद इसके एम्ब्रोक्सन की भी कोई इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे कोई इतना फील नहीं हुआ। सो मेनली इट्स ऑल अबाउट वनीला। और अगर आपको वनीला बेस्ड परफ्यूम पसंद है, ऐसी स्मूथ स्मोकी टाइप की वनीला आपको पसंद है, तो गो एंड गेट दिस परफ्यूम। एक दफ़ा फिर लिटरली द क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग हेयर। और मेरी समझ से बाहर है कि मर्सिडीज बेंज वाले इस प्राइस पे ये परफ्यूम कैसे सेल कर रहे हैं। तो इससे पहले कि ये परफ्यूम महंगा हो जाए, इसके प्राइस बढ़े या मार्केट में शॉर्ट हो, अगर आपको वनीला के इस तरह के परफ्यूम्स पसंद हैं, डीप और स्मूथ टाइप के परफ्यूम, वुडी परफ्यूम पसंद है, तो आप इसको ज़रूर बाय करें, इसको टेस्ट करें और उम्मीद आपको पसंद आएगा। और ऑल थैंक्स गोज टू हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त, बड़े ही हमारे प्यारे दोस्त मतीन दुरानी भाई फेसबुक से, जिन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था।
और really thanks to him once again. So a masterpiece from the house of Mercedes Benz. तो ये थी इसकी खुशबू और चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में. तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पे घंटों में नहीं बल्कि दिनों में है. मिनिमम दो दिन ऑन द फैब्रिक और तीसरे दिन भी आपको कहीं से विफ्स आएंगे खुशबू के और आप कहेंगे यार ये खुशबू के विफ्स कहाँ से आ रहे हैं. फिर आपको याद आएगा कि ओहो मैंने तो मर्सिडीज बेंज अपने यहाँ पे एक स्प्रे किया था. तो अगर आप 4 से 6 स्प्रे इस परफ्यूम के लगा लें तो यू आर गुड टू रॉक एनीथिंग. आप कोई भी जंग जीतने के लिए आप लड़ने के लिए आप तैयार हैं. तो परफॉर्मेंस नो इशू हेयर. सियाज प्रोजेक्शन अमेजिंग. एक दिन की प्रोजेक्शन आपने अगर 5 से 6 स्प्रे से कर लिए तो आप पूरा दिन प्रोजेक्ट करते रहेंगे. जिसके पास एक दफ़ा गुजर जाएंगे तो उसको उसकी खुशबू चली जाएगी. अब आपको कंप्लीमेंट करे ना करे पूछे ना पूछे वो एक डिफरेंट मैटर है लेकिन लोग इर्द गिर्द के आपकी परफ्यूम स्मेल करते रहेंगे और आप खुद भी स्मेल करते रहेंगे. तो लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस 20 out of 10. और अब बात करते हैं जेंडर की. तो मेरे हिसाब से ये यूनिसेक्स टाइप का परफ्यूम है. थोड़ा सा लीन करता है जेंट्स की तरफ ज़्यादा लेकिन क्योंकि इसमें मेनली इसके अंदर वेनीला है और जैस्मिन है तो लेडीज़ इसको आराम से लगा सकती हैं अगर वो चाहें तो. बट मर्द पे थोड़ा सा मर्दों पे थोड़ा ज़्यादा ये सूट करेगा. बट काइंड ऑफ यूनिसेक्स है. एज ग्रुप की बात करूँ तो थोड़े से आपको मैच्योर होना पड़ेगा. अगर आप 22-23 एज प्लस के हैं तो यू कैन रॉक इट ईजिली. बात करें सीजन की एंड वेदर की तो मेरे लिए तो मैं ऑल ईयर अराउंड इसको मज़े में लगा सकता हूँ विदाउट एनी इशू. आई एम लविंग दिस परफ्यूम सो मच. लेकिन अगर आप 40 डिग्री प्लस टाइप का टेम्परेचर जैसे कि आजकल यहाँ पर है 45-46 डिग्री तो आउटडोर में अगर आप धूप में जा रहे हैं तो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको शायद थोड़ा सा चौक कर दे थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए इसको लगाना. अदरवाइज इनडोर्स में या आप पूरा साल इसको आराम से लगा सकते हैं लेकिन द बेस्ट एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको ठंडे मौसम में ही मिलेगा. और अब आते हैं ओकेजन की तरफ. तो ये कोई ऐसा ओकेजन जहाँ पे क्राउड हो शादी मीटिंग्स कॉन्सर्ट्स मॉल वहाँ लगाएं जहाँ पे आपने चिल्ला चिल्ला के कहना हो कि यार मैं भी हूँ और मैं परफ्यूम लगा कर आया हूँ वहाँ पे आप ये परफ्यूम यूज़ करें. बट इन एन एलिगेंट वे स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ दिस इज एलिगेंट एलिगेंट परफ्यूम. तो कोई ऐसा ओकेजन स्पेशली क्लबिंग अगर आप क्लबिंग करते हैं आप क्लब में जा रहे हैं आप पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर लगाएं. इट्स लिटिल बिट बूजी टच है इसमें आपको फील मिलती है बूजीनेस की विद दैट सेक्सी एस्पेक्ट. तो पार्टीज में इस तरह के सारे सिनेरियोस में ये चलेगा ज़बरदस्त चलेगा दौड़ेगा. और चलिए अब बात करते हैं असल मुद्दे की जो कि है प्राइस. तो ये परफ्यूम आज की डेट में आपको मिलेगा 100 ml EDP कंसेंट्रेशन के साथ सिर्फ 160 dirham में. UAE की प्राइस बता रहा हूँ जो UAE में अवेलेबल है. बाकी मुझे प्राइजेस नहीं पता. आप अपनी अपनी कंट्रीज़ में थोड़ा गूगल करें सर्च करें उंगलियों को थोड़ी जहमत दें गूगल में लिखें तो आपको प्राइजेस आपके वहाँ पर लोकल सेलर्स वगैरह मिल जाएंगे. तो अगर आप ऐसे परफ्यूम पसंद करते हैं अगर आप वाकई ही एक नीश क्वालिटी का सेंट ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल हो तो गो फॉर दिस. अगर आपको इस तरह के वनीला बेस्ड परफ्यूम्स जो है पसंद है तो आप इसे ब्लाइंड बाई भी कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप ट्राई कर लें पहले. तो फॉर मी दिस इज अ किलर परफ्यूम एंड आई एम रियली इन लव विद इट रियली अमेजिंग सेंट. तो ये था आज का रिव्यू अबाउट मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अगले रिव्यू तक के लिए अपना ख्याल रखें. आप सबको ईद मुबारक और मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. अल्लाह हाफिज़.